are the pride of the Indian forest, symbols of our proud ecological heritage. The majestic growl of dominance and defense. The tiger. Stripes are hunted, and now these stripes are fading out to extinction. Can we save them? The tiger is the cat, one of the biggest ones there are. They are calm and quiet, a big part of this world. And as we see today, the tigers disappear. We need the tigers now and keep them going strong. Stop the killing and stop the poaching. Keep the food chain alive and growing. Gone are the tigers, them the glory and what is left of the memories and pictures. Tigers are the biggest cats there are around. Tigers now are almost extinct and we can see them. Tigers are the biggest cats there are around. Tigers now are almost extinct and we can see them. Stop the killing and stop the poaching. Keep the food chain alive and growing. Gone are the tigers, them the glory. And what is left is just memories and pictures. Feed them, save them, slow them. Stop the killing and stop the poaching. Keep the food chain alive and growing. Gone are the tigers, them the glory. And what is left is just memories and pictures. Feed them, save them, slow them. ये अखबार वालों को भी क्या हो गया न जाने हैं, पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं। हेलो, ये मेरे बारे में अखबार में क्या क्या उल्टा सीधा छाप देते हैं आप लोग। अरे आप जानते भी हैं इससे जनता में क्या प्रतिक्रिया होगा, कुछ पता भी है आपको? व्हाट सॉरी, 2 महीने बाद इलेक्शन है। अरे इससे कितना नुकसान हो जाएगा कुछ अंदाजा भी है आपको? सर हाँ, थापर जी आइए बैठिए। थैंक यू सर। हाँ हाँ थापर जी, देखिए घर का बातों पर चर्चा के लिए समय नहीं है मेरे पास, फटाफट बोलिए आप। ये घर की बात नहीं है सचदेव जी। अच्छा तो ठीक है, मैं आपसे 10 मिनट का समय आपको देता हूँ, बोलिए आप, कहिए। आपका समय बीता जा रहा है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और टाइगर भी। क्या क्या कहा आपने? हाँ ठीक सुना आपने, जैसे कभी भी ये समय वापस नहीं आएगा, वैसे ही विलुप्त के कगार में पहुंच चुका ये बाघ कभी वापस नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है यार। अरे तभी तो हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दिया था। अब देखिए, हमने उस वर्ष को ही पूरा बाघ बचाव वर्ष घोषित कर दिया था। प्रचार प्रसार टीवी चैनल्स के माध्यम से खूब देखा था आपका ये प्रोजेक्ट, और हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मगर इससे कितना फायदा हुआ? मतलब वाइल्ड लाइफ रिसर्च वर्क जो हमने आपको भेजा था वो तो आपने पढ़ा ही होगा ना? घूम फिर कर फिर वही बात था पर। अरे मैंने सब पढ़ा है, मेरी मिनिस्ट्री का काम सिर्फ बाघ बचाना नहीं है। और सच कहूं आपको, इस मामले में मैंने जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है आप लोगों को। पर सच्चाई ये भी है सर कि अगर हमें इस मामले में अच्छे नतीजों की उम्मीद है तो हमें और भी मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा सर। थापर जी,
शायद आपको मालूम नहीं कि इस कुर्सी में सिर्फ 6 महीने बैठने के लिए 6 साल मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद के 6 महीने उसको मजबूत बनाने में गुजर जाते हैं। अब आपकी तरह 100 लोग रोज यहाँ अलग अलग परेशानी लेकर आते हैं, भाई मैं सबको खुश तो नहीं रख सकता ना, आखिर ये कुर्सी भी तो बचानी है। भाई टाइगर्स के मामले में हमारी गवर्नमेंट और एजेंसी जितना कर सकती थी उससे ज्यादा कर चुकी है। देखिए आप इस मामले में जितना परेशान है उतने हम भी हैं। हमारी सरकार ने कई नई पॉलिसीज तैयार की हैं। अगले बजट में इसके लिए और भी पैसा आ जाएगा। सर मैंने अपनी सर्विसेज के दौरान बहुत सारे जोशीले मिनिस्टर्स देखे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होते ही सभी पॉलिसीज बंद हो जाती हैं और नए मिनिस्टर्स दूसरी पार्टी की पॉलिसीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। बदकिस्मती से इसी को राजनीति कहते हैं थापड़ साहब। मगर सर इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें? हाँ वो भी ठीक कहते हैं आप। सर इस बारे में आप जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो अपने कार्यकाल के रहते हुए क्यों नहीं पूरा कर देते सर? थापर जी राजनीति छोटी मोटी चीज नहीं है थापर जी, सिर्फ बाघ बचाने से ना देश मजबूत होगा और ना ही ये कुर्सी। सर लाखों लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुर्सी संभालते हैं लेकिन एक कोई ऐसा होता है जो पूरे देश को संभालता है, जिसे हम भूल नहीं पाते, जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहता है। यार गिरधर एक बात बता, ये जंगल में बाघ वाघ तो नहीं है ना? अब मुझे कैसे मालूम होगा यार? कैसी बात कर रहा है यार, हैं? 6 साल से वन विभाग में नौकरी कर रहा है और तुझे नहीं मालूम? अब 6 साल की नौकरी में 3 साल तो नेशनल पार्क में निकल गए और 2 साल ऑफिस में बैठा रह गया। अच्छा अब एक ही साल हुआ मुझे जंगल में आए हुए। अरे यार खैर छोड़िए सब। अच्छा एक बात बता दो मुझे यार हाँ मैं क्या पूछ रहा था तुझसे कि तूने यार बाघ देखा कभी जिंदा? हाँ देखा है यार। कहाँ? अरे बचपन में स्कूल की तरफ से पिकनिक में घुमाने ले गए थे तब देखा था, चिड़ियाघर में यार। चिड़ियाघर? कैसी बकवास कर रहा है यार, मेरे कहने का मतलब है कि तूने कभी जिंदा बाघ अपने सामने देखा है? नहीं देखा यार। नहीं देखा? नहीं देखा। अबे तू अभी कह रहा था कि नेशनल पार्क में 3 साल था मैं, वहाँ भी देखा तूने? नहीं देख पाया यार। कमाल है यार, अबे जो नेशनल पार्क जाएगा बाघ तो देखेगा ना यार। गिरधर एक बार मैं गया था वहाँ पर टूरिस्ट के साथ में, तो गार्ड कह रहा था साहब अभी अभी यहाँ से 2 बाघ गुजरे, आपने उनकी साइटिंग मिस कर दी। अबे पागल है क्या? क्या हुआ, हंस क्यों रहा तू मुझ पर? अबे नेशनल पार्क में गार्ड को खास ट्रेनिंग दी जाती है भाई, जो भी टूरिस्ट वहाँ घूमने आता है तो गार्ड कहता है आप 5 मिनट लेट आए, अभी अभी भाग यहाँ से निकला, ये रहे उसके पांव के निशान। तू भी यार पागल है। किरदार क्या हुआ? भाग भाग? अबे तू तो कह रहा था यह भाग भाग नहीं है यार, मैं भी तो इसी विश्वास पे आ था। चुप कर आजा निकल लेते हैं, आजा चल चल आजा, चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम यंग मैन फ्रॉम द राइडिंग मेडोज टू द कॉन्क्रीट जंगल, हैव अ सीट। थैंक यू सर। लाइफ इज हार्ड इन सिटीज फॉर दोज हु लव द फॉरेस्ट, राइट? श्योर सर। Well, by the way, let's come to the point. I presume you would have already received a detailed report to counter tiger poaching by now. But to me, if you plan a war against poaching, then the game is different. Like? We'll have to bring all poachers into a zone and fight. But how? A plan is better implemented. That's it. नमस्ते। नमस्ते। आजकल नींद बहुत आ रही है, डॉक्टर बोलता है शुगर का लेवल बिगड़ गया है। अरे चिल्का 2 चाय ले आना भाई। हाँ बोल, क्या बात है, क्या खबर भेजी है बाबूलाल ने? काम बहुत बड़ा है, पैसों की चिंता मत करना। इसी की तो चिंता है, और तू कौन होता है? कौन होता है तू मुझे बताने वाला कि मैं चिंता करूं या नहीं करूं? हाँ सीधे सीधे बता, ये हिंदी पिक्चर के डायलॉग मत बता मुझे। कौन सा काम,
कौन सा काम बे? सुन, अगर ड्रग्स वाला मामला है तो किसी और को देख ले, ये मेरा काम नहीं, समझे? मुझे टाइगर की जरूरत है। बस इतना ही काम है तो निकल ले। बाबूलाल का दिमाग खरोचता हूं, ना जाने किसको भेज देता है अपने बाप का ससुराल समझ के। अरे बाबूलाल, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? अरे ये किस जोकर को भेज दिया तूने मेरे पास? मुझसे बोलता है कि टाइगर चाहिए टाइगर। अबे क्या मैंने टाइगर की दुकान खोल रखी क्या? बाबूलाल से 40 बोला? हाँ। अच्छा, डिमांड इतना बढ़ गया क्या 4 दिन में? आपकी यूशल रूट से लासा पॉइंट तक, वहां का एड्रेस और आदमी का नाम इसमें लिखा है। बाबूलाल को पहले ही 20 लाख का एडवांस दिया है, माल तैयार होने पर इस नंबर पर फोन करना तो बात पक्की। 20 काम होने के बाद 20? हाँ, 5 लाख। बात टाइगर की है। टाइगर? अरे क्या बात करते हैं काबरा साहब, कैसे होगा ये काम? बहुत रिस्क है इस काम में, पूरे मुल्कों ने इस वक्त टाइगर पे नजर रखी है, पकड़े गए तो जमानत भी नहीं होगी। हाँ, हाथी के दांत और चीते के खाल की बात होती तो हो जाता, इस पूरे मामले में बहुत गड़बड़ है। अगर इस काम के 40 लाख मिल जाए तो 40 लाख? डिमांड बहुत बढ़ गया है, बाबूलाल का 20 लाख रुपए एडवांस मिल चुका है। ये लो 1 लाख रुपए एडवांस, ज्यादा सोचने का नहीं, माल का इंतजाम हो जाना चाहिए, बाकी मैं संभालूंगा। कालरा जी, दाम इतना वाजिब है तो मैं मना नहीं कर सकता, पर कालरा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। 40 लाख का सवाल है, 40 लाख का। ठीक है कालरा जी, पर माल कब तक चाहिए? ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, जितनी जल्दी माल लाओगे उतनी जल्दी दाम पाओगे। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देता हूं। अरे माल पहुंच जाएगा रे बाबू। हे शिवा, कम सिट। एक सौदा हुआ है, एकदम धांसू काम, बस टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। गुलदार से ज्यादा टाइगर की डिमांड है, चीनियों को टाइगर बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे जैसे टाइगर बचाओ आंदोलन बढ़ता जाएगा, ठीक उसी तरह चीनियों के अंदर इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ए शिवा, बनाना पै गया। एक टाइगर, 2 गुलदार की डिलीवरी हो जानी चाहिए इस महीने के आखिर तक। तुम्हारा क्या अंदाजा है, ये सौदा कितने का होगा? 40 लाख, 40 लाख का सौदा है। 40? एक महीने में 25 लाख से उठकर 40 लाख चढ़ गया है, ऐसा दूसरा कौन सा धंधा है जिसमें इतना दुगना मुनाफा है? मैं क्या बोल रहा था कि शिकार करना तो बड़ी दूर की बात है, बाघ को मारना ही नामुमकिन है। हाँ। जिधर देखो सेव द टाइगर का नारा लगा है। हाँ। टीवी पर, सिनेमा घरों पर, दीवारों पर, जहां देखो वहां बाघ की तस्वीर दिखाई देती है। जितना बड़ा सौदा उतना बड़ा मुनाफा। अब तक तो शिकारी भी अपना अलग बसेरा ढूंढ चुका होगा, कोई दूध वाला, चौकीदार या नाई बन गया होगा। मुझे हाँ ना करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा टाइम बहुत बेशकीमती है। ये काम करो, अपने पैसे ले लो, नहीं तो मैं किसी दूसरे को देखता हूं। ये बात तो पक्की है कि 1 महीने में रामनगर के अंदर एक टाइगर तो जरूर मरेगा, ये कोई टाल नहीं सकता। अब इसका फायदा कौन उठाता है,
ये तुम्हारे हाथ में है, सोच लो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अगर ये सौदा हाथ से निकल गया तो समझो कि हमारी डील जो सिद्धार्थ साहब के साथ है वो भी खत्म हो जाएगी। ये मामला पैसों का नहीं है साहब। आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि बाघ का शिकार करना जुर्म है। डिपार्टमेंट वालों की कड़ी नजर 24 घंटे हम पे है। आज चूहे और कौओं के अलावा सारे जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है। फालतू बातें छोड़, सीधे सीधे बता कि बाघ किस एरिया में मिलेगा। मेरे ख्याल से रामनगर का इलाका ठीक होगा साहब, क्योंकि बाकी सारे रास्तों पर कड़ी निगरानी होती है। मतलब तुझसे काम नहीं हो सकता? अरे नहीं साहब, रामनगर में राम थापा ही है जो कुछ कर सकता है, क्योंकि वही इकलौता है जो जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, और उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। आपको उससे बात करनी चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना साहब, वो नया डीएफओ बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहिएगा। अरे बहुत देखे, आराम से, बहुत देखे हैं ऐसे डीएफओ को, जब नए नए आते हैं ना तो अपनी हीरोगिरी दिखाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने औकात में आ जाते हैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा, मुझे खबर है, जंगली कपड़ा जंगली कपड़ा तो आपको महंगा पड़ेगा साहब, माफ करना, क्या आपकी इतनी हैसियत है? कितना लूं? दिखाने के 20,000, और माल पसंद आया तो फिर आगे बात करेंगे। साहब चाय के पैसे? कितना हुआ? 20,000। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं। आइए साहब, आइए। हाँ जी, आइए, चलिए चलिए, आपको बहुत बढ़िया माल दिखाता हूँ। आइए साहब, आइए बैठिए। काका नमस्ते, कैसे हो खंडू? सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा जाने हो। देखिए साहब, देखिए, बहुत बढ़िया माल है साहब, इससे बढ़िया माल आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब, बहुत बढ़िया है। देखिए साहब, ये है बढ़िया माल, देखिए। अरे यार, तुम्हारा खजाना बहुत छोटा निकला। अरे कई और, अरे अरे साहब, साहब साहब रुकिए तो, अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं साहब? अरे नहीं 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 चाहिए। अरे साहब, इससे बढ़िया माल नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी ढूंढ लो, जहाँ भी जाओगे हमें ही पाओगे। अरे साहब, बेकार कोशिश कर रहे हैं आप, अरे सुनिए तो, अरे इसका थोड़ी ना कोई शोरूम है साहब, साहब अरे साहब सुनिए तो। अरे बोला तो नहीं चाहिए, मेरा माल कुछ खास नहीं, मैं कहीं और ढूंढूंगा। साहब मेरी बात नहीं चाहिए मुझे। इलाके में मुझसे बढ़िया माल कोई नहीं दे पाएगा। आइए साहब, इस तरफ से आइए साहब, आपको दिखाता हूं, चलिए, आप देखकर खुश हो जाएंगे साहब, चल के अंदर देखिए, बहुत बढ़िया माल है। आइए अब दिखाता हूं आपको एकदम बढ़िया माल, अगर पसंद ना आए ना तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना।
देखिए साहब कितना बढ़िया माल है, देखिए ये देखिए। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, अरे दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। ये देखिए एकदम बढ़िया माल, और इससे भी बढ़िया माल आपको दिखाता हूँ। सर से लेकर पांव तलक, हाथ से लेकर उंगली तक, मैंने बाग दिया तूने बाग लिया। देखिए ये है खुदा का डिजाइनर कलेक्शन, है ना बढ़िया जी, है ना। अच्छा तो एडवर्टाइज क्यों नहीं करते हो? अरे साहब प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, तो एडवर्टाइज काहे को करेगा, आप भी तो हमारे पास आया था। हैंड्स अप। There's been a lot of criticism, sir, that you have not included the local police in this operation. Is this to avoid sharing the reward and fame, sir? Please, this press conference is not a wake of bait criticism. It's just a medium to reach the public. Sir, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जानवरों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी अब तक रुक क्यों नहीं पा रही है? We can't counter the poaching in a few days. The government is committed in protecting our forest. You can see the results very soon. Sir, क्या पकड़े गए तस्करों का इस शिकार से कोई संबंध है? Sorry. Out of the seized material, only two are original and rest is fake. So please don't mix up the things with this issue. अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई? ओ, आज महाराज शिकार पर निकले हैं। चलिए ठीक है, आज हम भी देखते हैं महाराज का शिकार। चल बेटा थापा, बहुत दिनों के बाद दर्शन होगा आज महाराज का। खराब है क्या आपका? हैं? जंगल है मैडम, जंगल, पार्क नहीं है जो टहल टहल कर फोटो खींच रहे हैं आप। अरे जो वहां का फोटो खींच रही थी आप, थोड़ी देर हमको और हो जाता ना तो वो बाघ आपका फोटो खींच देता। अरे गाइड बने हो तो हाँ, उठा के चले आते हो शहरी लोगों को पिकनिक मनाने, पहले जान तो लो जंगल कौन चीज है। संभालिए लेके जाइए। वो मैडम वो राम थापा था, एक बहुत बड़ा शिकारी, पर अब उसने वो सब छोड़ दिया है किसी और काम की तलाश में। लेकिन मैडम वो जानवरों की बोली जानता है, उनसे बातें करता है, बड़ा अलग तरीके का आदमी है मैडम। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ज्योत्सना वर्मा, जूनियर करेस्पोंडेंट नेटवर्क टुडे। Sir, I'm doing a project on tiger poaching and its socio-economic implications, and I need your help in that, sir. Why? Such a rare or rather strange topic. I'm a wildlife buff right from my childhood days, so eventually I took up this project, it being my passion since school. Good. I am about to dash out for a field visit. It's based on your topic, like informing villagers on a possible poaching. Mm-hmm. I think you can start from Thank there. Thank you, sir.
करेंगे सेठ। ए लड़की चल जाए यहाँ से, चल रुको। तो आप फिर से आ गए उस शैतान को बचाने? चमेली, सारे जानवर जन्म से आदमखोर नहीं होते, हम इंसान उन्हें आदमखोर बनाते हैं। अरे आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं ना साहब, खोया तो मैंने है ना, जब खुद पे पड़ती है तब समझ में आता है। समझने की कोशिश करो चमेली, वो एक हादसा था। अरे मुझे कुछ नहीं समझना है साहब, थक चुकी हूँ मैं ये सब सुन सुन के। तो फिर मेरी माँ का खूनी कैसा है साहब, और कितने दिन बचाओगे उसे? उसका अंत तो निश्चित है। God, why is she being so weird and rude? She is a victim of man-animal conflict. Her mother was killed by a tiger. खत्म कर दो उसे, उड़ा दो साहब उसे, उड़ा दो साहब। देखो ना साहब, देखो ना, उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है साहब, देखो ना साहब। अब और कितने सबूत चाहिए आप लोग को, और कितने सबूत चाहिए? अरे कितने सालों से तो हम कहते आ रहे हैं, आप एक ही सुनते ही नहीं। अरे साहब क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे? इंक्वायरी कमीशन बिठाओगे क्या साहब? माँ तो वापस नहीं आएगी ना साहब, साहब उससे मेरी माँ तो वापस नहीं आएगी ना साहब। आने लेके आ जा, उठ उठ। इसे मिला के चार मौत हो चुकी हैं साहब, कुछ तो करिए साहब। हमने एमपी साहब से बात की है, जल्दी आपको उसे खत्म करने का ऑर्डर मिल जाएगा। हमारी तो पूरी जिंदगी जंगल पर निर्भर है साहब, अब तो कुछ करना ही होगा। मिनिस्टर जी का ऑर्डर आप तक पहुंचते ही होंगे। That decision making was harsh and rude. Finally, the order was issued to trap and relocate the tiger. We caught him one night, and he is still captive at the zoo. Actually, we are forced into doing this cruelty, and in fact can't be biased to either side, man or animal. You want to see him? Yeah, I'd love to. Oh my God! Now this tiger can no longer growl around the forest and create its natural territory. It will be captive for the rest of its life. Can't we do anything about it? Yes, with proper government support, we can rescue and rehabilitate such animals. क्या हुआ? टायर पंचर हो गया साहब। जंगल में किस काम से आए? टूरिस्ट हैं, आगरा से हैं, सीतावन घूमने आए हैं। चलो। बचिए यार। थापा, अरे ओ थापा, थापा। कहा भाई, कहा हुआ? क्या हुआ? अपने बेटे से पूछ ले, इसने अपने लिए एक नया पैसा चुन लिया है। क्या बोल रहे हो? अरे तेरा बेटा चोर निकला, गंगाराम के घर से रोटी चुराते हुए पकड़ा गया। अब अपने बेटे को सही सीख दो, नहीं तो ये गलत रास्ते पे चला जाएगा। चलो भाई चलो। ठीक है, चलो।
चुप रहो तुम। एक तो वैसे ही जिंदगी में इतना परेशानी है, ऊपर से दुनिया भर में इज्जत उतार रहा हूँ हमारी। बहुत भूख लगी थी बाबा, दो दिनों से घर में कुछ खाने को भी नहीं है और ना ही हमें कोई काम दे रहा है। अब तो भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। खाने का इंतजाम कैसे हुआ? कहीं काम मिला है क्या? हाँ। कैसा काम? चोरी का। हाँ? अरे सुनो भाई, ये राम थापा किधर रहता है? वहां पर वो घर है उसका। अच्छा थापा। अरे ओ थापा, नमस्ते। माफ करना साहब, हम पहचाने नहीं। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है थापा। सब मैं समझा नहीं। अरे हमें तुझसे कुछ काम है। अरे तो सब अंदर आइए ना। नहीं नहीं रहने दो, हमें कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है, कहीं बाहर चलें? हमें बिल्ली चाहिए थापा। हम समझे नहीं साहब। बिल्ली, बड़ी बिल्ली, बिग कैट, टाइगर। हमें खबर मिली है कि रामनगर में एक तुम्ही हो जो इस काम में हमारी मदद कर सकते हो। रामनगर में अकेले जो एक बाघ बचा है उसका काम निपटाना है। ये लो 2000 रुपए एडवांस, बाकी काम खत्म होने के बाद। पहले ये बता कि काम कब तक हो जाएगा। माफ करना साहब, हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? पैसे कम है क्या? अबे क्यों बे, पैसे कम है? दो पूरे हैं। अरे तो ये बताओ कितने लोगे? सब बात पैसों की नहीं है, उसूल की है। आजकल दुनिया में पैसों से ही इज्जत खरीदी जाती है थापा, पैसों से। हमारे बच्चे हमें ही देखकर बड़े होते हैं साहब। अगर हम ही गैर कानूनी काम करेंगे तो बच्चे भी बड़े होकर मुजरिम ही बनेंगे साहब, इसीलिए हमने ये काम छोड़ दिया। पैसों की तो हमें जरूरत है लेकिन इस तरह नहीं। अरे आप क्या करेंगे? चिट्ठी लिखते हैं। पर किसको भाई? बाघ को। बाघ को? उसको ये बताते हैं कि हम कितनी मुसीबत में हैं, ताकि वो खुद आ जाए और हमारी मदद करे। ऐसा हो सकता है क्या? तूने 10वीं पास की थी ना? हाँ की है। तो ये भी हो सकता है। हाँ, बाघ भी पढ़ना जानता है। अरे अरे शिव, हाँ
चमेली, तू इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रही है? तुमने मुझे बचाया क्यों बाबा? ये तो मेरा फर्ज था। क्या सोच रही है चमेली? तुझे पता है तूने कितना बड़ा जुर्म किया है? हाँ, मैंने एक कातिल से बदला लेने की कोशिश की। क्या बकवास है ये सब चमेली? तुम्हें क्या लगता है, क्या बाघ ने सोच समझकर तुम्हारी माँ को तुमसे छीना है? नहीं, बल्कि हमने खुद ही उनके इलाके में घुसपैठ करके ये मुसीबत मोल ली है। अरे बेटी, आज हम उस कुदरत के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया है। जानती हो क्यों? लालच। ये कुदरत हम सभी को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें देती है, लालच पूरी करने के लिए नहीं। तुम्हें मालूम है हमारी संस्कृति में हमेशा से प्रकृति और जानवरों की पूजा की जाती है। ये सच है कि इस धरती पे पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, जंगल, जानवर, जो कुछ भी है, उन सब पर हमने हमला बोल दिया है। तुम्हारी माँ की मौत भी इन हमलों का ही नतीजा थी। तुमने जिस जानवर को जहर देने की कोशिश की, वो हमारी देवी है। हमारी परंपरा में एक विश्वास है कि जब कोई इंसान किसी घने जंगल के बीच किसी मुसीबत में फंस जाता है और बाघ को याद करता है, तो वो बाघ उसकी मदद के लिए जरूर आता है। बस करो बाबा, बस करो। बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी ये सब कहानियाँ। ये सब कहानियाँ किताबों में होती है, हकीकत में नहीं। वैसे तो हमारे धर्म में राम कृष्ण विष्णु के अवतार जैसी कहानियाँ भी है ना, जो इंसान को मुसीबत से बचाने आते हैं। क्या आज तक किसी ने भी ये राम कृष्ण विष्णु को देखा है? सब कहानियां हैं बाबा, कहानियां। पता नहीं काकी को क्या हो गया, वो खेत में काम कर रही थी ना, अचानक बेहोश होके गिर गई। वो पास वाला दवाखाना है ना, पहले वहां लेके गए, फिर उनकी हालत बिगड़ने लगी तो हम यहाँ लेकर आए। पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा होगा। चलो अटैक है अपेंडिसाइटिस का। अच्छा। और हालत बहुत खराब है, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, 15,000 रुपए खर्चा आएगा। मुसीबत में मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये ईमानदारी, शराफत कुछ काम नहीं आती। ये दुनिया पैसों के दम पर चलती है थापा, पैसों के दम पर। वैसे तू पैसों की टेंशन मत लेना। बिल्कुल नहीं। 20,000? अच्छा यार, 25,000। हाँ, डील पक्की। हाँ, 2,000 रुपए एडवांस। अरे रख ले। ठीक। छबीला
नहीं होगा ये सब, बस जा रहे हैं वापस। अरे नहीं, करना नहीं, कर, अरे कर, अकेले कर लो तुम। थापा
पापा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? और पैसे चाहिए थे क्या? नहीं साहब। तो बात क्या है? अरे इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? अरे कौन बनेगा करोड़पति थोड़े ना चल रहा है, सीधे सीधे बात बता। सब वो टाइगर वाला काम हमसे नहीं होगा, सब वो बागिन पेट से है साहब। तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? वो थोड़ी है तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये पाप हमसे नहीं होगा साहब। पाप? पाप तो तुम्हें लगेगा। अपनी बीमार बीवी के लिए कुछ करने के बजाय तुम उस टाइगर के बारे में सोच रहे हो। अरे बेवकूफ, ये समझ की तेरी लॉटरी लग गई है। 20% से 30% ज्यादा मिलते हैं प्रेग्नेंट टाइगर के लिए, और 5,000 तो अलग मिलेंगे। हाँ, ऐसे मौके को तुम अपने हाथों से जाने दे रहे हो? बहुत सोचने के बाद ही आपको बुलाया है साहब, ये काम हमसे नहीं होगा। ये रहा आपका एडवांस, नमस्ते। अरे अरे दिमाग खराब है, अब क्या करेंगे? घर जाके खेतीबाड़ी करेंगे और क्या। साला सिद्धार्थ साहब से 50,000 रुपए एडवांस भी ले लिए, पता नहीं आगे क्या होगा। अब यार ये बाघ पढ़े लिखे क्यों नहीं होते? तो उसके साथ जाएगा या मेरे साथ आएगा? नहीं नहीं तुम्हारे साथ। अरे तो चल ना। चल ये सब अंग्रेजी दवाई सेहत के लिए ठीक नहीं होता है मालूम, जड़ी बूटी बहुत अच्छी चीज है, हम ले आएंगे और हाँ? ठीक है। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? इंतजाम 6-7 दिन में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मामूली सा बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और देखो हमें अस्पताल मत ले जाना ऑपरेशन के लिए, हमें बहुत डर लगता है। रामू काका, ओ रामू काका, अरे बाहर तो आओ। क्या बात है, काहे गला खींच रही है? खींच नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ काकी को अस्पताल से वापस क्यों लेकर आए। अरे वो डॉक्टर बोला ठीक है सब ले जाओ, ले आए, ठीक है अभी दवाई पिलाएं। अरे झूठ मत बोलो काका, तुमने उस एजेंट का काम छोड़ दिया ना? काम? हम समझे नहीं, क्या बोल रहे हो? लोहिया जी, सब पता है मुझे, लोहिया जी ने सब बता दिया है। अपनी बीमार बीवी को छोड़ उस बाघ को बचाने जाओगे क्या? गरीब आदमी का ना जज्बात होता है ना इलाज। हम जैसा लोग इस धरती पर सिर्फ दुख झेलने के लिए पैदा होता है सुझेलो। लेकिन एक बात तय है कि इस जन्म में वापस मुड़कर उस जुर्म की दुनिया में नहीं जाएंगे। बस हाँ, हेलो, हाँ ओके ओके ओके। सर एक वायरलेस मैसेज आया अभी आपके लिए। DFO ये? सर अभी अभी हमें वायरलेस पर एक इंफॉर्मेशन मिली है कि डिकाला एरिया में गुलदार का शिकार हुआ है। What? ड्यूटी पे कौन था? ये दोनों सर। ठीक है, कार को उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर, और कल तक सारे केस की रिपोर्ट मेरे टेबल में पहुंचाना। ठीक है सर। और तुम लोग भी मेरे ऑफिस पहुंचाना। सर सर सर, ये बताइए कि आपको क्या पता चला? ऐसा नो क्वेश्चन। प्लीज सर।
हेलो यस सर 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 केस की रिपोर्ट कल तक पहुंच जाएगी सर सर पर उनका सस्पेंशन सर 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 कांट वी वेट फॉर सम मोर टाइम सर सर ओके सर डिपार्टमेंट का रूल आप लोगों को मालूम है ऊपर से भी प्रेशर है अब ये मामला मेरे हाथ से निकल चुका है आप दोनों को सस्पेंड करने का ऑर्डर मिल चुके हैं इंक्वायरी के बाद ही अब हम कुछ कर सकते हैं साहब साहब 18 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं साहब आज तक किसी ने हमारी ईमानदारी पर उंगली तक नहीं उठाई है साहब हमारा काम ही हमारा भगवान है साहब और जंगल के बारे में तो आप जानते ही हैं ना साहब कि न जाने कौन कब कहां से आ जाए और इस पर डिपार्टमेंट का पूरा कंट्रोल तो है ही नहीं ना साहब रूल तो लेकिन रूल है उसको हम तुम बदल नहीं सकते नहीं साहब नहीं साहब हमारे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब हाँ साहब पूरे घर की जिम्मेदारी हम पर है साहब जी ऐसा मत करिए साहब ऐसा मत करिए साहब हमने जिंदगी में कभी भी एक बार भी फिजूल की छुट्टी नहीं ली है साहब साहब कुछ तो करिए अभी आप लोग जाइए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता कैमरा ऑन है ना गुड़ापुर रेंज में हुआ गुलदार के अवैध शिकार के मामले में आपको ड्यूटी से सस्पेंड किया है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे क्या बताएं मैडम पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि हम बेकसूर हैं अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है इस पर हमारा बस नहीं है मैडम लेकिन एक फॉरेस्टर होने के नाते जंगल को किसी भी अपराध से बचाने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है एक फॉरेस्टर के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास जैसे जंगल की सुरक्षा वन्य जीवों की सुरक्षा नार्कोटिक्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरह हमारे विभाग में क्राइम ब्रांच ट्रैफिक कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के लिए ब्रांचेस नहीं है मैडम घर से दूर इंसानों से दूर किस तरह से वो जंगल की निगरानी और रक्षा कर पाता है ये कोई नहीं जानता एक अकेला गार्ड घने जंगलों के बीच कभी बंदूक कभी सिर्फ एक लाठी के सहारे पूरे जंगल की रखवाली करता है और अचानक किसी के किए गए अपराध की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है फिर भी हम खराब मौसम में खतरनाक जानवरों और जंगल माफिया जैसी चुनौतियों का सामना पूरी बहादुरी से कर रहे हैं मैडम क्या आपको कोई शक है कि इस अवैध शिकार के पीछे किसका हाथ है कोई भी हो सकता है मैडम सैकड़ों लोग हैं जो इस काम से अपना पेट पाल रहे हैं मैडम बंद करिए थापा साहब एक मिनट थापा साहब चुप रहिए आप इस तरह कैमरा लेकर दुखते सवाल पूछकर गरीब आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं आप हमारी मजबूरियों का फायदा उठाकर पैसा कमाने आए हैं आप नहीं माफ करना मेरा मकसद ये नहीं था मैं तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रही थी आई एम सॉरी घर में हमारा बीवी बच्चा बीमार है खाने के लिए दाना नहीं चारों तरफ मुसीबत है लेकिन फिर भी हम ये काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जिंदा है और हमारे साथ साथ आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि दोबारा वो हालत पैदा ना हो जाए कि हमको दोबारा मजबूरन वो काम करना पड़े नमस्कार रोक 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 और रुक जा आते जाते रोक 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रोक हाँ रुक जा बाहर आ जा ये तो जलाने की लकड़ी का परमिट है साहब रहने दीजिए ना पैसे देता साले जेल में डाल दूंगा चल 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 साले उधर चल 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 चला चल सर गाड़ी अंदर लगाओ सुनिए गाड़ी अंदर लगाओ मेरी बात तो सुनिए सर Hey! Hey! Hey!
हमारी परंपरा में एक विश्वास है कि जब कोई इंसान किसी घने जंगल के बीच किसी मुसीबत में फंस जाता है और बाघ को याद करता है तो वो बाघ उसकी मदद के लिए जरूर आता है। क्या हुआ? अरे तेरी बीबी की हालत बहुत नाजुक है, अरे जल्दी आ जा। चतुर जी, चतुर जी, दरवाजा। आप अरे गीता का तबीयत खराब हो गया अचानक, गाड़ी चाहिए होगा, अस्पताल जाना है। आई आई जल्दी चलो काका, जल्दी चलो। आप ऑफिस से पर्ची बनवा कर आइए और आप बाहर जाइए। जी। क्या बोल रहे हैं? काका, डॉक्टर साहब ने कहा कि काकी की हालत बहुत बुरी है, आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप पैसों का इंतजाम जल्दी कर लो। काका, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, हम करते हैं इंतजाम। अगर तुम दोनों से ये काम नहीं हो पाएगा तो मेरे पैसे वापस कर दो। अबे उल्लू समझ रखा है क्या? तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। और तेरा? साहब पिछले महीने चेक करवाया था तो ओ पॉजिटिव था। अबे तुम दोनों एक ही माँ के औलाद हो। नहीं नहीं साहब, ये तो मेरा पड़ोसी है। अच्छा, अब बात समझ में आई। वैसे हम इंसानों की किडनी भी बेचते हैं। अगर मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो दोनों की किडनी गिरवी रख दूंगा। पैसे लाना, किडनी ले जाना। बेशक, अगर तुम अपनी किडनियां गिरवी रखने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। एक हदू क्या कुछ भी बोलता है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ हम थापा बोल रहे हैं। हाँ बोल थापा। आप पैसों का इंतजाम करिए, हम माल पहुंचा देंगे। क्या खुशखबरी है, हो जाएगा? दो दिन में माल मिल जाएगा, दो दिन में। बच गई किडनी प्यारे, बच गई। ए शिव, ये आदमी के अंदर कितनी किडनी होती है? दो। दो? और ये किडनी होती कहाँ है? यहाँ पे माथे में। अरे शिव, we'll be right back.
हेलो, हाँ थापा बोल रहे हैं। हाँ तैयार है, 2 बजे माड़ा चौकी। ठीक है। माल हाँ वो तो इसके पीछे तुम्हें मालूम है इस गलती के कारण कितने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो सिर्फ एजेंट हैं। हमें तो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? अबे बोल ना, क्या रो रो घूम रहा है? सीधे सीधे बता, तेरे डीलर का नाम क्या है? राम थापा। ये माल हमें राम थापा ने दिया है साहब। थापा? कौन थापा? वो गुज्जर गांव का राम थापा। राम थापा? थापा, अरे ओ थापा साहब, शिकार इसने किया और इसी ने हमें कॉल किया कमीने ने, और इसी ने हमें डिलीवर भी किया माल, तो हम कहां से इन्वॉल्व हो गए? हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ हाँ तुमने सही कहा, पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यानी पिक्चर अभी बाकी है? हाँ सही कहा, थापा ने तुम लोगों को फोन जरूर किया लेकिन उसने टाइगर को मारा नहीं बल्कि तुम लोगों को उल्लू बनाया। समझ में आया? इस बार उसने जाल जरूर बिछा लेकिन उसने टाइगर को मारा नहीं बल्कि तुम लोगों को फंसाया। ये देखे बच्चों, ये मांस टाइगर का नहीं है, बकरी का है और इसकी नकली है। सब ये रुपया इन लोगों ने हमको दिया था। सच सच बता, तुम्हारा लीडर का नाम क्या है? नहीं तो नकली स्किन हटा के असली स्किन डाल के तुम दोनों को 7 साल के लिए जेल में भेजूंगा। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? कोई सुराग वगैरह? सर लेकिन उसके लोकेशन का पता लगाना इतना आसान नहीं है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो कब कहाँ क्या कर बैठे कोई यकीन नहीं, और सर इस लोकेशन में अगर वो हमारे आंखों के सामने से धूल झोंक कर भी निकल गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और सर हमारे पास उस तक पहुँचने का कोई रास्ता भी नहीं है, और वैसे भी सर उस तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं है। उसके लिए पहले से ही हम एक जाल बिछा चुके हैं, उस तक पहुँचने के लिए हमारे पास एक आदमी है। तुम लोग जाओ। कंडूरी, तूने कभी सोचा मैं अब तक तुझे क्यों कोर्ट में नहीं भेजा?
कम से कम 3 से 7 साल तक तू जेल के सलाहों के पीछे हो सकता है, पर खुद को बदलने के लिए मैं तुझे एक और मौका दूंगा। मैंने बहुत इंतजार किया कि तू सुधर जाए। अब तू बता, तू क्या चुनना चाहता है? सफेद या काला, अच्छा या बुरा, खुदा या शैतान, ईमानदार या बेईमान? मैं समझा नहीं साहब। अब तुम मेरी मदद करो सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए और उसकी एक एक पल की खबर दे दो, और उसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ इस जुर्म के दुनिया से। साहब ये काम हम मजबूरी में करते हैं, लेकिन साहब आप मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए हैं। आप मुझे एक बार इस दलदल से निकाल दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। साहब आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ साहब। बस आप अपना हाथ हमेशा मेरे पे रखिएगा। उस साले सिद्धार्थ को रंगे हाथों पकड़कर अगर आपके कदमों में ना डाला तो मेरा नाम खंडूरी नहीं। बढ़िया खंडूरी बढ़िया, अब तुम एक आसाद पंछी हो। उठो और जुर्म की दुनिया में फैल जाओ, और उधर की सारी खबरें मुझे ला कर दो। अबे खंडूरी, जेल से कब निकला? अरे निकला क्या साहब, हमें कौन निकालेगा? वो जमानत पे छूटा हूँ साहब, और जमानत पे छूटते सीधे आपके पास आया हूँ। हमारे लिए कौन सी खबर लाया तू? खबर क्या सर? साहब वो आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि पुलिस और DFO ने आपके खिलाफ पूरा जाल बिछा रखा है। आप अपना तान तोड़ा लेकर कहीं और चले जाइए, महाकसम, नहीं तो DFO आपको छोड़ेगा नहीं। वो तो ठीक है, पर तू ये बता कि तुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? कुछ लोग जेल में आपस में बातें कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुन ली। वो माँ कसम आप ही का नाम ले रहे थे। तूने सुना? पहले तो तू ये बता कि तुझे मेरे इस अड्डे के बारे में कैसे पता चला? ले सिद्धार्थ साहब, पिछली बारी तो आप ही ने कहा था कि वो खंडर में मिलेंगे। अरे कहाँ आपने ये खंडर में अड्डा बना लिया अपना? अजब प्रेम की गजब कहानी। और खंडूरी, कब से चल रहा है तेरा ये पुलिस प्रेम? कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? मैं कहाँ किससे प्रेम? सुनने से ही पता चलता है कि तू पुलिस का आदमी बन गया है कुत्ते। आप गलत समझ रहे हैं साहब, मैं पुलिस का आदमी कहाँ से? तेरे ये कप कपाते होंठ, धोखेबाज आंखें और माथे का पसीना साफ साफ बता रहा है कि तू पुलिस का जासूस बन गया। चोर चोर नहीं बन पाया तो पुलिस का जासूस बन गया? नहीं साहब, मैं एक चोर को फंसाने के लिए दूसरे चोर का सहारा, एक शेर को फंसाने के लिए बकरी का सहारा, लेकिन हम वो शेर नहीं हैं जो बकरी को देखकर पिंजरे में फंस जाए, समझे? ए सुनो, ये अकेले नहीं आया होगा, इसके साथ जरूर कोई होगा, मालूम करो। हड्डियां तोड़ दो सालों की। Come on, it's getting late. We'll be right back.
पैसों का इंतजाम हुआ क्या? गीता के साथ कौन है? जल्दी आओ, तुम्हारे परिजीत की तबीयत खराब हो रही है। पैसों का इंतजाम हो गया तुम्हारा? हाँ। गीता की तबीयत बहुत खराब हो रही है डॉक्टर साहब। नमस्ते साहब। चिंता मत करो तापा, पैसों का इंतजाम डिपार्टमेंट ने कर दिया है, सर्जरी आज ही हो। साहब आप एकदम साक्षात भगवान का रूप लेकर आए हैं साहब। अरे अरे मुझे शर्मिंदा मत करो, बैठिए बैठिए आराम से। इंटरव्यू के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहचाना आपने? ये बागिन और उसके बच्चे जो सिर्फ आपकी वजह से आज जिंदा है। ऐसा करके आप शिकारियों के लिए एक मिसाल बन गए हो। क्या आपको लगता है कि जो फैसला आपने जिंदगी में लिया है दूसरे शिकारी भी कुछ ऐसा ही करेंगे? बात ये नहीं है मैडम कि दूसरे शिकारी ऐसा करेंगे या नहीं, असल बात है भूख और गरीबी। यहाँ आसपास हजारों परिवार ऐसे रहते हैं जिनको दो वक्त भी खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती, मजबूरन उनको शिकार करना पड़ता है। भूख और गरीबी इंसान से वो सब करा लेती है जो आपकी भाषा में जिसको पाप और जुर्म कहा जाता है। तीन दिन से आपका बच्चा आपके घर में बीमार हो, भूखा हो, तो आपको बाघ और जंगल बचाने की समझ नहीं होती, पेट की आग बुझाने की समझ आती है। जब तक इन परिवारों को रोटी और कपड़ा जैसी आम जरूरतें मुहैया नहीं होती तब तक ये लोग शिकार करते रहेंगे, ये बात पक्की है। और बहुत जल्दी हम वो दिन भी देख लेंगे जब इस दुनिया से बेशकीमती जानवर और जंगल खत्म हो जाएंगे। एक सवाल मैडम हम पूछें आपसे, सुना है शहर में बहुत पैसा है, एक एक आदमी वहां पर एक टाइम में 2-2 हजार रुपए का खाना खा जाता है। वो 2 हजार में यहां एक परिवार महीनों महीनों पल सकता है, ऐसा काहे होता है मैडम? शायद सवाल थोड़ा गंभीर हो गया, माफ कीजिए। भूख और बेबसी इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है, पर आज मैंने एक छोटी सी किरण देखी है, वो किरण जो हमें लालच के अंधेरे से निकालकर मानवता के उजाले की ओर ले जाएगी। थापा की ईमानदारी और विक्रम के समझदारी ने आज एक बाघ की जान बचा ली। मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है ये देखकर
कि किस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों ने साथ मिलकर एक बाघ की जान बचाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी विक्रम जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और थापा जैसे लोग एक साथ बाघ को बचाते रहेंगे।